everyone. So today I have very special guest with us. So today I have Shreshth with me. So recently he has got offers from Airbus and Tack.ai. So let me tell you, जो लोग फैंग की ड्रीम देखते हैं, राइट, यू हैव ओनली वन एम कि हमें फैंग में जाना है एंड वी शुड नॉट एक्सप्लोर अदर ऑप्शन. सो श्रेयस हैज एक्चुअली अचीव्ड वॉट एक्चुअली अदर्स ड्रीम फॉर. सो आई probably hope that Airbus is one of the dream organization for many students. So let me welcome Shreshth. So welcome Shreshth to the YouTube channel of CB. Thank you so much, sir. Thank you so much. So Shreshth, kaisa lag raha hai finally, like you have offers from one of the top notch organizations. Har engineer ka dream, matlab jee rahe ho tum. Sir, अच्छा तो है, मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे स्टार्टिंग में, बट हाँ थोड़ा बहुत एफर्ट्स करना स्टार्ट कर दिया था. एक तो पहली प्रॉब्लम ये थी कि ब्रांच नहीं थी कंप्यूटर साइंस. अच्छा. तो ईसी वाली ब्रांच थी तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, बट एट द एंड वही है कि आपका हार्ड वर्क और आपकी कंसिस्टेंसी वो पे ऑफ करते हैं किसी मोड में, तो वो चीज़ हुई. तो बढ़िया ही है, अच्छा ही है. इतना हमारे कॉलेज में से मतलब बहुत कम ही लोग पे ऐसा पैकेज जाता है, तो अच्छी बात है. एक अच्छा मीन स्टेज सेट हुआ था, हमारे सीनियर्स अच्छी जगह प्लेस हुए, तो अच्छी बात है कि कंटिन्यू हो रहा है और बढ़िया है. So that's really great and congratulations first of all. So Shreshth, जैसे अब आपका एक बहुत जैसे Airbus में हुआ और Tack.ai में हुआ, तो many students would be eager to know कि भाई आपकी प्रिपरेशन की जर्नी कैसी थी, बिकॉज दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट. आपको एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, बट उस डेस्टिनेशन को जाने के लिए आपने क्या पाथ फॉलो करा, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. लाइक व्हेन डिड यू रियलाइज कि भाई मेरे को कोडिंग करनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट, फर्स्ट ईयर में करें, सेकेंड ईयर में करें, या कब करें. तो आपकी कोडिंग की जर्नी कब स्टार्ट हुई थी? सर फ्रैंकली फर्स्ट ईयर में जब कॉलेज में गए थे तब मुझे लगता था कि यार मतलब जितना रिलेटिव वगैरह से सुना था कि सीएस वालों का ही प्लेसमेंट है, या मतलब ऐसा एक था कि उनकी ब्रांच वैसी, उनके सब्जेक्ट ही वही हैं जो पूछे जाते हैं एक्चुअली. तो बट मतलब फर्स्ट ईयर तो खूब ऐसे नए गए हैं, हर चीज़ देख रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, मूवीज फिर इधर घूम रहे हैं, कैफेटेरिया जाना है, मतलब सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली जितनी हमारे मतलब बहुत मतलब जो हमारा कैंपस काफ़ी दूर था मेन सिटी से, तो जाते थे हर दिन, सैटरडे संडे डन ही था. लेकिन फिर एक टाइम बाद ये पता चला कि सीनियर्स हैं, उनका अच्छे पैकेज लग रहे हैं, मतलब माइक्रोसॉफ्ट में लगा, किसी का अमेजोन में लगा, तो फिर उस टाइम ये पता चला कि मतलब कोशिश की कि हाँ क्या हो रहा है, ऐसा क्यों, मतलब इतना ज़्यादा पैकेज कैसे मिलते हैं, क्योंकि कभी सुना ही था कि 40 LPA मतलब सैलरी होगी किसी की, मतलब इतना वैसे नहीं था. तो उसके बाद हमने ये सोच मतलब बात करना स्टार्ट की. फिर मैंने एक मेरा CS का फ्रेंड है शिवाशीष, वो मतलब वो करता था ये सब चीज़ें, तो मतलब क्योंकि उसके क्लास में बताती थी चीज़ें सब, तो उससे मैंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो वो सब बताता था कि ये करो, DS होता है, फिर HTML CSS होता है. तो मतलब वो कुछ वेबसाइट टाइप बना रहा था कि HTML की छोटी सी स्टैटिक वेबसाइट. तो मैंने ऐसे पूछा कि क्या है, तो फिर वही मुझे लगा कि जो चीज़ हम यूज़ करते हैं एक्चुअली वो हम ही लोग बना भी सकते हैं. तो वो चीज़ सोच के थोड़ा सा लगा कि हाँ यार इस पे कुछ काम करना चाहिए और इससे ही प्लेसमेंट भी अच्छा होगा, क्योंकि कोई भी इंसान मतलब कॉलेज जाता तो यही दिखता है पहले, अरे प्लेसमेंट क्या है, प्लेसमेंट क्या है. तो वहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर मतलब धीरे धीरे, तब भी मतलब उस टाइम भी थोड़ा बहुत स्टार्ट किया बट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता था. फिर सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ, तो सेकेंड ईयर में एक मेरे कज़न है तो उनका एडोब में सिलेक्शन हुआ था. तो वो जेपी नोएडा से थे तो उनका एडोब में सिलेक्शन हुआ था. तो उनको मतलब उन्होंने कोर्सेज वगैरह करे हुए थे, शायद CB का ही कोर्स था कोई मशीन लर्निंग का. तो मतलब उन्होंने अच्छे से नोट्स वोट बनाए हुए थे, तो वो मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा बताती थी कि अच्छा ये ऐसे एल्गोरिथम होता है, मतलब वो ये कहती थी कि इससे तुम्हारा मेरा खुद का रिवीजन हो जाएगा और तुम भी कुछ सीख जाओगे. तो उनके साथ में छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया ML के, मतलब तो मैंने सेकेंड ईयर भर इतना किया मशीन लर्निंग काम भर की कर ली कि मतलब प्रोजेक्ट आते थे, हाँ पाइथन आइथन आने लगी थी. फिर पाइथन से मैंने देखा कि ऐसा ये है वो है.
फिर थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ तो मैंने सोचा और क्या सीखूं, तो फिर मतलब मैंने देखा कि मतलब सेकेंड ईयर एंड और थर्ड ईयर स्टार्टिंग दिसंबर वाली बात है कि मैंने ये सोचा कि और देखते हैं, तो फिर मैंने देखा कि प्रोजेक्ट बनाओ, मतलब एक TNP के हमारे कोऑर्डिनेटर थे सीनियर, उन वो मतलब कोई ड्राइव कोई प्लेसमेंट के लिए कंपनी कॉलेज आई थी, तो मतलब मैंने उनसे पूछा कि सर क्या पूछते हैं प्लेसमेंट्स में, तो उन्होंने कहा यार हम लोग के कैंपस में जितनी कंपनी आती है तो प्रोजेक्ट पूछती हैं, अच्छे प्रोजेक्ट बना लो तो तुम्हारा काम हो गया। तो मैंने फिर बोला कि हाँ, और एक चीज उन्होंने और बोली कि कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दो, तो मैंने सोचा कि अरे यार क्लब में तो हुई, क्लब में बहुत था मैं, बहुत क्लब जितने कॉलेज में क्लब थे ऑलमोस्ट था अच्छा खासा सब में, और बहुत टाइम भी दिया है मैंने क्लब को, तो मैंने तो अंदर ही सोचने लगा कि अरे यार कम्युनिकेशन स्किल्स तो ठीक ठीक है, काम हो जाएगा, बट अब प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो फिर मैंने देखा कि मैंने सोचा कि और क्या करूँ, तो फिर मैं ब्लॉकचेन, एक सीनियर ने बोला कि ब्लॉकचेन करो, उससे प्लेसमेंट हुआ एक तुम्हारे साथ एक स्टार्टअप में, मैंने कहा अच्छा ब्लॉकचेन पढ़ना स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा, तो उसमें सारी कीज और जो भी जितने बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं ब्लॉकचेन बहुत वास्ट है, तो वो थोड़ा थोड़ा पढ़ा, फिर यही सब करते करते थोड़ा सा वेब भी कोशिश की, अरे वेब डेवलपमेंट भी सीख लो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो वो करा मैंने। फिर उसके बाद वो सब करते करते फिर ऑलमोस्ट सेकेंड ईयर खत्म होने वाला था, तो हम लोग ऐसे रूम पर बैठे थे एक दिन, तो मेरे फ्रेंड्स थे सीएस में, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो लोग मतलब ऐसे कोडिंग वोडिंग करते रहते थे, तो मैं प्रोजेक्ट बना के मतलब प्रोजेक्ट के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन लिख रहा था नोटबुक में कि मुझसे इंटरव्यूअर पूछेगा तो मैं ये बताऊँ। तो मतलब मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे बोला कि भाई ये क्या पढ़ रहे हो, तो मैंने कहा भाई ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। तो वो उसने कहा कि भाई वो सब तो ठीक है लेकिन यार DS पढ़ा है तुमने डेटा स्ट्रक्चर, मैंने कहा हाँ पाइथन से पढ़ रखे हैं अच्छे से, तो मुझे सब आता है लिस्ट टूपल सारी चीज़ें मैं ठीक ठाक इम्प्लीमेंट कर ले। उसने कहा अच्छा तुमने कॉम्पिटिटिव करी है, तो मैंने कहा यार कॉम्पिटिटिव मतलब आइडिया था कि क्या है, लेकिन मैंने कहा यार हाँ की है मुझे आइडिया है बट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं एक्स्ट्रॉर्डनरी टाइप का नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा कर रखी हो। तो फिर मैंने उसने बोला कि भाई ये सब तो ठीक है लेकिन इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए तुम्हें कोडिंग आनी चाहिए, इंटरव्यू में तुम प्रोजेक्ट ही नहीं एक्सप्लेन करोगे। तो फिर मैंने फिर मतलब उसके फिर हम दोनों फिर ये हमने फिर कोर्सेज देखने स्टार्ट किए यूट्यूब ट्यूटोरियल, लेकिन मतलब कहीं पे भी बहुत स्ट्रक्चर्ड कंटेंट नहीं मिलता है जैसे पता। तो फिर शायद मैंने एनरोल भी किया था CB का एक कोर्स इंटरव्यू प्रेप वाला, तो उससे फिर धीरे धीरे सारे टॉपिक देखना स्टार्ट किया, एक एक एरे 2D एरे डिक्लेरेशन वेक्टर वगैरह सब कुछ चीजें सीखी धीरे धीरे धीरे। तो बेसिकली रिवर्स जर्नी रही तो मेरी, तुमने पहले ML सीखा, प्रोजेक्ट्स बनाए, फिर तुमने जाके कोडिंग वाली चीजें स्टार्ट करी, तब जाके मतलब मतलब सर बेसिक्स आते थे, बेसिक्स पता था कि हाँ वेक्टर मतलब पाइथन में, C++ में मैंने बाद में स्विच किया क्योंकि मन जैसे बहुत सारी कंपनीज में होता है ना पाइथन आप कोडिंग में आप यूज नहीं कर सकते हो ऑनलाइन राउट में, मतलब काफी कंपनीज मैंने देखा है, तो जावा और C++ या CI तीन ऑप्शन रहते हैं जी, बिल्कुल। तो उसके बाद वो सब चीजें करी, फिर थर्ड ईयर में स्टार्ट कर दिया, खूब क्वेश्चन लगाए, मतलब बहुत जितने क्वेश्चन मिलते थे लीड कोड स्टार्ट किया एक टाइम बाद, तो लीड कोड स्टार्ट कर दिया, फिर मतलब कॉम्पिटिटिव के में मतलब सेट ये नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ कर रहा हूँ बहुत दिनों तक, लेकिन मैं एक सेट ऑफ क्वेश्चन से टॉपिक स्ट्रॉन्ग करता था अपने से, एरे है तो एरे के कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं या लिंक लिस्ट, जैसे लिंक लिस्ट मैंने ऑलमोस्ट लिंक लिस्ट का मैंने लीड कोड अच्छा खासा सॉल्व पूरा ही सॉल्व किया हुआ है मतलब, और ये हो गया था कि लिंक लिस्ट मतलब कोई मुझसे इंटरव्यू में पूछेगा कि कौन सा टॉपिक तुम्हें आता है तो मैं लिंक लिस्ट बोलता कि लिंक लिस्ट आता है भाई एकदम मतलब होता है सर ऐसे इंटरव्यूज में ऑफ कैंपस पूछ लेते हैं इंटरव्यू आपसे कि आपको कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है। तो अब जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स वाली चीज आपने जब स्टार्ट कर दी थी, तो डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे आपने मतलब कोडिंग ब्लॉक से पहले एक बार पूरा कोर्स पढ़ लिया और फिर आपने लीड कोड पे जाके प्रैक्टिस करनी शुरू करी, तो मेन जो चीज होती है ना मतलब इसको जानने के लिए मतलब सारे स्टूडेंट्स ना लाइक दे आर क्रेजी फॉर इट कि भाई हम अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस करते हैं
तो कितने एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स तक जाने की जरूरत है? फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिटिव में कितना ज्यादा जाएं, जैसे कोड फोर्सेस पे जाके वो मतलब बन रहे हैं, मास्टर लेवल पे जा रहे हैं, कैंडिडेट मास्टर लेवल पे जा रहे हैं, या यू थिंक कि अगर किसी को एक अच्छी कंपनी निकालनी है तो भाई लीड कोड भी अगर वो क्वेश्चंस अच्छे से कर ले डेटा स्ट्रक्चर्स जानने के बाद तो भी उसका काम हो जाएगा, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? सर मतलब मैं कभी वो जो स्टार्स वाली चीज उसके पीछे मतलब इतना भागा नहीं, मतलब फ्रैंकली मैं क्वेश्चन पे फोकस करता था, मतलब मैं वो नहीं सोचता था कि मैं अपनी सीवी में लिख दूंगा 5 स्टार या 6 स्टार या कैंडिडेट मास्टर, तो वो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, मतलब अच्छी बहुत अच्छी चीज है, बट मतलब मैंने नहीं की उसकी, मैंने सारी चीजें पढ़ी, सेगमेंट ट्री भी पढ़ा, फेनविक भी पढ़ा, सारे डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े, बट उतने ही जितना मतलब नीड है। ठीक है, तो अब जैसे फेनविक ट्री हो गया, सेगमेंट ट्रीज हो गया, ये सेट की आपने उतना करा जितनी नीड है, मतलब एक जो मेरे क्वेश्चन आ रहा है माइंड में दैट इज कि जब आप एयरबस में बैठे और जब आप tag.ai में बैठे तो व्हाट डू यू थिंक जो उनका हायरिंग प्रोसेस था, एक तो मतलब उन्होंने कितने राउंड्स लिए, कौन कौन से राउंड्स में क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी, एंड जो उनके अंदर कोडिंग के क्वेश्चंस आए थे वो कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स पर ज़्यादा फोकस्ड थे या बहुत एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स को टच भी नहीं करा, तो उसमें किन कॉन्सेप्ट्स पर ज़्यादा फोकस्ड किया गया था? सर जैसे एयरबस का तो काफ़ी लंबा प्रोसेस था, मतलब समझिए ऑलमोस्ट 2 मंथ, मई में शायद एग्जाम था, फर्स्ट हैकर टेस्ट था, तो उसमें मतलब बहुत टफ क्वेश्चन था, ऐसे मतलब ये समझ लीजिए मेरे दोनों क्वेश्चन पूरे सही भी नहीं थे, 360 था और MCQs थे, 2 कोडिंग क्वेश्चन MCQs थे और 360 मार्क्स था, तो मेरे ऑलमोस्ट 100 के आसपास आए थे, तब भी मैं क्वालिफाई कर गया था, मतलब बहुत, और मतलब टॉप 600 स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर रहे थे उस एग्जाम में, तो टॉप 600 में इंडिया में रैंक थी और बहुत लोग रजिस्टर कर रहे थे, मतलब एयरबस का था तो थोड़ा सा एक फेम वाली बात भी जुड़ गई थी। हाँ, फिर उसके बाद वो हुआ तो उसके बाद हम लोग शॉर्टलिस्ट हो गए थे, 2-3 दिन में मेल आ गया कि यू आर शॉर्टलिस्टेड, तो नेक्स्ट राउंड हैकाथॉन था, तो उन 600 या अप्रॉक्सीमेट उतने लोगों में आपस में टीम्स बनानी थी, तो हम लोग के पास मतलब मेल आने लगे कि ये लिस्ट है, उन्होंने लिस्ट दे दी थी और ये ईमेल्स हैं उनके, आप कॉन्टैक्ट कर लो, क्योंकि उन्होंने पहले स्किल्स नोट मतलब एक जगह एनलिस्ट करवा ले कि आप किस चीज़ में प्रोफिशिएंट हो, हैकाथॉन के लिए आप अपनी मतलब स्किल्स पहले बता दो कि क्या, तो उस हिसाब से टीमिंग हो जाएगी, तो आया टीम ही बनी, तो हमने प्रोजेक्ट भी बनाया एक मतलब पाइथन ऐप ही था, एक वेबसाइट उनका पूरा अलग से एक थीम था, उस पर एक वेब ऐप टाइप हमने बनाया, मशीन लर्निंग सब लगा हुआ के अच्छे से। तो फिर उसके बाद वो हैकाथॉन चला था 3 दिन आराम से, तो मतलब हैकर टेस्ट हैकाथॉन, उसके बाद हैकाथॉन के बाद हमसे पूछा गया कि आप इंटरेस्टेड हो एज अ फ्रेशर रोल कि नहीं, बिना रिजल्ट के, मतलब उसके साथ में एक फॉर्म अटैच था, तो उसमें हमें फिल करके सबमिट करना था, तो हमने कर दिया। हाँ ठीक, उसके बाद शायद ऑलमोस्ट 10 दिन बाद जून में 7 मई को फर्स्ट या जून फर्स्ट वीक में शायद हमारे पास मेल आया कि आप फ्रेशर रोल के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए हो फॉर योर परफॉर्मेंसेस, उसके बाद फिर उन्होंने एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया। ओके, सिलेक्शन के बाद एप्टीट्यूड टेस्ट, सिलेक्शन एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया, मतलब वो इनका प्रोसेस था। फिर एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बाद एक एसिंक्रोनस वीडियो इंटरव्यू होता है, मतलब कुछ नई चीज है, मैंने भी पहली बार दी, उसमें क्या होता है कि आपको मतलब क्वेश्चन आते हैं, आपको कुछ टाइम मिलता है सोचने के लिए आंसर, मतलब वो HR टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं और आपको आंसर रिकॉर्ड करके मतलब उनको सबमिट करता है, कोई इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन मतलब ये है कि आपको माइक्रोफोन और कैमरा ऑन करके अपना आंसर रिकॉर्ड करना है, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है, तो ऐसे शायद 2 या 3 क्वेश्चन थे, वो भी था 1 घंटे का आसपास राउंड, ऐसे ही था इतना एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। तो वो हुआ, उसके बाद ये इतना हुआ, उसके बाद एक और राउंड हुआ, मतलब एसिंक्रोनस वीडियो इंटरव्यू एक डिस्कशन राउंड हुआ, नॉर्मल था, मतलब वो भी था 30-35 मिनट का, तो ऑलमोस्ट अभी तक शायद 5 राउंड हो चुके थे, मतलब ऐसे देखा जाए। हाँ, तो वो राउंड हुआ और मतलब वो बहुत फास्ट हुआ कि जब इंटरव्यू होना था उससे 1-2 दिन पहले ही आया कि आपका डिस्कशन राउंड है तो आप ज्वाइन कर लेना, तो वो दिया। फिर वो डिस्कशन राउंड होने के अब ऑलमोस्ट समझिए 3 वीक्स बाद मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ और 1 दिन दिया बस उन्होंने कि आपका आज कॉल आया शाम को HR का कि आपका परसों इंटरव्यू है, तो फिर परसों इंटरव्यू,
तो फिर मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। एक मेरा फ्रेंड और था, उसका हो गया था सिलेक्शन, मतलब उसका प्रोसेस पहले कंप्लीट हो गया था, वो उसको बुला लिया था एयरबस वालों ने। तो वो बोल रहा था यार बहुत अच्छी फैसिलिटीज है यहाँ, 4-star होटल में रुके हैं, 15 दिन ये वो पूरा एंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार अच्छी बात है, चलो मेहनत कर लेते हैं। तो फिर एक वो दिन मतलब मैंने सारी चीजें, मतलब मैंने सोचा कि कोडिंग करके तो एक दिन में कितना ही कर लूंगा, तो मैंने थ्योरेटिकल सारा रिवाइज कर लिया, DBMS OS वगैरह सब कुछ, SQL क्वेरी और जितनी चीजें थी वो नोट्स वोट्स बनाए थे पहले से, उसके सब कुछ वो कंप्लीट। वो आप लोग के कोर्स में शायद PDF वगैरह भी थी, तो उस वो थोड़ा जावा T.PoINT GFG सब मिक्स करके मैंने कुछ नोट्स अच्छे से बना के रखे हुए थे, तो वो पूरा रिवाइज किया और फिर इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। तो इंटरव्यू में फिर यही हुआ कि पहले दो इंटरव्यूअर्स थे, तो दो राउंड, एक राउंड था टेक्निकल वाला, हाँ। तो उसमें उसमें क्या हुआ कि उन्होंने पहले मतलब नॉर्मल इंट्रोडक्शन वगैरह लिया, फिर कोडिंग क्वेश्चन एक दिया था तो वो पूछा, फिर SQL क्वेरीज पूछी 2-3, हाँ। थ्योरेटिकल कूप्स पे गए, पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम, उसका कोड वगैरह, मतलब पूरा अच्छा इंटरव्यू, जो कहते नहीं एकदम बड़ी अच्छा एकदम प्रॉपर इंटरव्यू, तो हाँ। वो था पूरा कि सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ पूछे। तो फिर उसके बाद, हाँ उसके बाद उसी दिन शायद रात में या नेक्स्ट डे मेल आया, उस दिन रात में शायद आ गया था कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो, आपका HR और मैनेजर राउंड है एक दिन बाद। तो फिर मैनेजर राउंड हुआ, तो फिर मैनेजर राउंड हुआ, फिर दोनों टेक्निकल इंटरव्यू में मतलब यही सेम सिमिलर टाइप के पैटर्न थे। तो जितने CS के सब्जेक्ट है ऑलमोस्ट सभी, नेटवर्किंग का भी कोई क्वेश्चन पूछा उन्होंने। एक क्वेश्चन पूछा था शायद OS का, वो मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैंने बोल दिया था सर मुझे अभी नहीं याद है, मतलब मैं भूल गया रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक क्वेश्चन शायद नहीं बताया था मैंने दोनों राउंड में टेक्निकल में। और उसके बाद मैनेजर और HR राउंड था, तो उसमें वही सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन और HR वाले, तो वही मतलब ओवरऑल 7-8 राउंड, टोटल 8 राउंड तुम्हारे शायद एयरबस में हुए, और फिर जाके उसके अंदर आपका सिलेक्शन वाले ही चीज हुई। मतलब जैसे ये होता है ना कि सिर्फ आप टेक्निकल चीजें प्रिपेयर कर लो आपका हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मतलब मैंने फील किया बहुत अच्छे अच्छे हम लोग के यहाँ, मतलब अच्छे कोडर्स भी होते हैं, बट इफ यू लैक इन दैट मैनेजरियल थिंग, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। और वैसे एयरबस हो गया तो इसका प्रोसेस इतना लंबा था, तो और इसमें एप्टीट्यूड चेक करना, मतलब एप्टीट्यूड और कोडिंग मतलब है सिमिलर बट एक जैसी चीजें नहीं होती, एप्टीट्यूड थोड़ा सा अलग हो गया, या एसिंक्रोनस वीडियो इंटरव्यू, तो वो आपकी स्पीकिंग स्किल्स ही जज कर रहे हैं एक तरह से, कि आप कैमरे के सामने कितना कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो। हाँ। तो वो सारी चीजें भी इम्पोर्टेंट हैं बहुत। अब एयरबस का आपने बहुत डेप्थ में बताया, आई थिंक व्होएवर इज गोइंग टू लिसन दिस उसको पूरा व्यू मिल जाएगा व्हाट एक्चुअली इज गोइंग टू हैपन व्हेन ही विल बी गोइंग फॉर एयरबस एंड अनदर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ऑर्गेनाइजेशन ही विल बी जॉइनिंग वुड बी द tag.ai एंड लेट्स आस्क हिम ओनली कि मतलब उसमें आपका कितना पैकेज लगा है, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज एक्चुअली क्रेजी। सो प्लीज टेल अदर्स कि मतलब tag.ai जो ऑर्गेनाइजेशन था उसका प्रोसेस क्या था आपका, मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स थे, नॉन कोडिंग पार्ट था, कितने राउंड्स हुए थे, मीन दीज थिंग्स वुड बी समथिंग जो मतलब लोग देखना चाहेंगे इफ दे विल बी अप्लाइंग फॉर दिस, राइट। उसका मीन CTC तो अराउंड 25 LP है, तो बाकी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ। तो नहीं है अभी तो फिलहाल, और उसके बाद उसका प्रोसेस भी सिमिलर ही था, टेस्ट हुआ, टेक्निकल राउंड थे, और उसके बाद HR मैनेजरियल सारी चीज़ें वैसी ऐसी। तो मोर ओवर उसमें मतलब BFS वॉज फोकस्ड, BFS वाले दोनों चीज़ें, और ट्री ट्रैवर्सल्स वाले क्वेश्चन मतलब थियोरेटिकल भी थे, मैनेजीरियल, मतलब ये था दोनों कंपनीज का ऑलमोस्ट प्रोसीजर वॉज सेम, क्वेश्चन टाइप भी सेम थे, SQL भी पूछा गया और सारी चीज़ें वैसी वैसी थी। तो इन डिटेल तो मैंने एयरबस सारी जो चीज़ें बताई वही चीज़ सेम ही रिपीट करूँगा कि हैकर टेस्ट, देन उसके बाद इसमें हैकाथॉन नहीं था, इसके बाद फिर इंटरव्यू हुए। तो इसमें मतलब ग्राफ वाली चीज़ों पे और ट्रीज वाली चीज़ों पे
ज्यादा फोकस्ड थे वो वाइल इंटरव्यू एंड वाइल ड्यूरिंग टेक्निकल राउंड. ट्रीज तो वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीज तो मतलब हर इंटरव्यू में ट्रीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि शायद मतलब ट्री ग्राफ तो मीन जैसे कुछ कंपनियां स्किप भी कर दी थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट ट्रीज तो काफी इंपॉर्टेंट है. और ट्रीज मैंने अच्छे से करा था, मतलब टॉपिक वाइज कॉन्फिडेंस, जैसे ट्रीज, लिंक लिस्ट, मतलब जैसे रिकर्शन और डायनेमिक प्रोग्रामिंग, तो इसमें क्वेश्चन की मतलब लिमिट ही नहीं है, आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो ऐसा कोई भी नहीं है होगा जो कहेगा मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ. हम लोग के प्रेशर लेवल पे तो मतलब ऐसा होते हैं कुछ क्वेश्चन फंस गया, वो हम लोग भी प्रैक्टिस करते थे तब भी लगता था अरे अब, लेकिन जबकि रिकर्शन मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है, मतलब ऐसे सर्च करता था गूगल पे रिकर्शन, तो जो भी वेबसाइट आ गई उसमें जो क्वेश्चन दिया है वो भी देखने लगा, अच्छा हाँ हाँ ये है, ये रिकर्शन मतलब ये हो गया था कि रिकर्शन कर लो तो डीपी डन है, और डीपी बहुत पूछी जाती है तो मैंने सोचा रिकर्शन स्ट्रॉन्ग कर लो, तो रिकर्शन जो स्ट्रॉन्ग करना हुआ उससे मेरा ट्रीज में बहुत हेल्प हुई, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट 70-80% रिकर्शन से हो जाते हैं क्वेश्चन, जो लेवल ऑर्डर और वो सारे क्यू वगैरह यूज करते हैं उनको अगर छोड़ दें, लेकिन रिकर्शन से मैक्सिमम क्वेश्चन आप डील कर सकते हो. तो वो सारी चीजें थी, रिकर्शन स्ट्रॉन्ग किया क्योंकि उससे ग्राफ भी वाला पार्ट भी आसान हो जाता है थोड़ा. बिल्कुल बिल्कुल. तो कभी ऐसा फील हुआ कि मतलब जैसे जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग ये कर रहे होते हैं, जैसे प्रोजेक्ट्स जो आपने बनाए थे वो सबसे पहले ईयर में बनाए, मतलब व्हाट अकॉर्डिंग टू यू एन आइडियल जर्नी शुड बी अगर कोई ऐसी कंपनीज को टारगेट कर रहा है, तो लाइक क्या उसकी जर्नी रहनी चाहिए, बिकॉज यू स्टार्टेड इट इन रिवर्स, तो आपको लगा कि रिवर्स में स्टार्ट करना वॉज बेटर, या यू आर थिंकिंग कि भाई अगर मैं प्रोग्रामिंग वाली चीज़ पहले स्टार्ट करके ML के प्रोजेक्ट्स वाली चीज़ें बाद में करता तो वो चीज़ें मतलब बेनिफिशियल रहती, या कभी ऐसा लगा कि मतलब यार ये दिक्कत आई ये करने से या नहीं? रिवर्स में होने का मेन रीजन दो थे, क्योंकि हमारा मतलब एक फ्रेंड सर्कल होता है तो हम लोग सब अलग अलग थे, जैसे एक मेरे जितने 4-5 जो अच्छे दोस्त का एक ग्रुप होता है वो मतलब वो सब ऐसे थे कि सब अलग अलग थे, कोई कैट दे रहा था, कोई गेट था, और एक प्लेसमेंट वाला, एक मैकेनिकल का था आशुतोष, तो मतलब ये सब ये हम लोग वैसे रहते थे, हम लोग मतलब साथ में थे, कोडर्स का ग्रुप हो तो वो कोडिंग डिस्कस करें है ना, तो हम लोग का सर ऐसा ग्रुप था भी नहीं कॉलेज में भी, तो हम लोग ये सोचते थे कि यार मतलब बाकी कॉलेज की बातें और कहाँ जाना है क्या करना है ऐसी ऐसी ये सब चीजें डिस्कस होती थी, उतनी पढ़ाई की बातें आपस में डिस्कस उतनी कर रहे, तो फिर मैंने ये सोचा कि कैसे कैसे, तो इस चक्कर में थोड़ा सा रिवर्स वाली चीज हुई, बट आइडियली आपको पहले तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, मतलब जैसे C++ भी है तो आपको मतलब HTML एकदम अच्छा आना चाहिए, क्योंकि HTML में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो नहीं पता होती हैं लोगों को, मतलब मुझे भी नहीं पता थी, वो तो बिगनर के लिए चीजें हैं, बट बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो नहीं पता होती, तो आप कुछ भी पढ़ो तो अच्छे से डेप्थ में जाओ उसके, अगर आपने बाइनरी सर्च पढ़ लिया तो बाइनरी सर्च बहुत ईजी है बट आप अगर आप कोई गूगल या सबके क्वेश्चन देखो लीड कोड के तो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बाइनरी सर्च पे एकदम बढ़िया लेवल के, काफी सारे होते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर पे जो चलते हैं, वही तो सर कुछ भी करो कोई भी एक एल्गोरिथम पढ़ो तो अच्छे से उसके बारे में, जैसे C++ पहले लैंग्वेज चूज कर लो, जैसे बहुत सारे लोग C++ करते हैं आजकल, पाइथन बहुत ट्रेंड में है, मैंने वो देखा कि ज्यादातर बच्चे पाइथन कर रहे हैं, तो वो भी सही है आप देख लो, बट कहीं कहीं पाइथन नहीं काम कर रही तो आपको बैकअप के लिए दूसरी लैंग्वेज भी आनी चाहिए, C++ या जावा या सी, तो अपनी लैंग्वेज पहले पकड़ लो और स्ट्रॉन्ग उसको बना लो, उसके बाद धीरे धीरे कोडिंग करते रहो, अगर आप मतलब सेकेंड ईयर में हो तो स्टार्टिंग करो, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो सीखो, नहीं समझ में आए तो सोल्यूशन भी देखो, क्योंकि आपके पास टाइम है अभी और आप अपनी टाइम को यूटिलाइज करो, फिर उसके साथ 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 कोई टेक स्टैक पे वर्क करते रहो, कोई भी कर लो, एंड्रॉइड कर लो, मशीन लर्निंग कर लो, उससे प्रोजेक्ट बनाओ, क्योंकि क्या होता है कि उनके लिए तो बढ़िया है जिनके कॉलेज में बहुत सारी कंपनीज आती हैं अच्छी कंपनी, जिनके में नहीं आती तो उनको प्रोजेक्ट चाहिए होते हैं अच्छे खासे, तो तभी आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा, आपको अच्छे प्रोजेक्ट जो होस्टेड वगैरह हों, गिटहब विटहब पे पड़े हों लिंक्डइन, तो उस हिसाब से आपके प्रोजेक्ट होने चाहिए, तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस, और मैनेजर जो होता है वो आपको प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है, बहुत अच्छे से पूछता है,
क्योंकि हायरिंग मैनेजर राउंड होता है बड़ी कंपनीज में, मिनिमम 4 राउंड तो होते ही होंगे, मतलब कोई बड़ी अच्छी कंपनी के इंटरव्यूज, फैंग के अलावा ही बहुत कंपनीज हैं उनके भी इंटरव्यूज में सारी चीजें ऐसी पूछी जाती हैं कि आपका प्रोजेक्ट भी पूछेंगे, इसकी वजह सारी चीजें आपको आना चाहिए सब कुछ। और मतलब ये नहीं कि आपने मतलब टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन अगर किए हैं तो वो लक की बात है कि वो क्वेश्चन फंस जाए और आप बता दो, लेकिन वो आप जैसे पहली बार में बताओगे वो कुछ वेरिएशन लगा फंस जाओगे। तो जो भी टॉपिक या जो भी क्वेश्चन करो उसकी इन डिटेल एनालिसिस आनी चाहिए आपको, तो साइड बाय साइड वो भी करते रहो प्रोजेक्ट और फिर इम्प्रूव करो कोडिंग, क्योंकि कोडिंग तो रिक्वायरमेंट है और बहुत सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, बट प्रोजेक्ट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना डेव और सीपी या डीएसए ये सब चीजें, तो सब इम्पॉर्टेंट है और सब इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचोगे नहीं तो आप कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर पाओगे? तो इसलिए प्रोजेक्ट भी इम्पॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, मतलब और जो भी टेक्स्ट जैसे जावास्क्रिप्ट है तो जावास्क्रिप्ट भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि वो अगर आपने रिएक्ट का वेब ऐप बनाया है तो वो आपसे जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन पूछ लेगा लेट वायर में डिफरेंस बता दो, स्कोप बताओ इनका, तो बेसिक्स तो ऑन पॉइंट एक्सपेक्ट ही आने चाहिए उसको। अच्छा अब जैसे मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, मतलब ऑब्वियसली बात है लाइक यू सेड कि आपके कॉलेज में कंपनीज आती नहीं थी, और जो आती होंगी आई एम प्रीटी श्योर कि उसमें आप जाना नहीं चाहते होंगे, और जनरली होता है कि जब हम एक ऐसे कॉलेज में हैं जहाँ पे उतनी ज़्यादा कंपनीज नहीं आ रही हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा स्केरी सिचुएशन भी लगती है, ये भी लगता है कि भाई बहुत कहीं जाएंगे तो रिजेक्शंस भी फेस हो सकते हैं कॉलेज की वजह से, तो हैव यू एवर फील कि मतलब कहीं पे रिजेक्शंस हुए हों, और कितनी चीज़ें थी जब बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए, तो फिर उसमें मोटिवेटेड खुद को रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उन चीज़ों में किस तरह से केटर करा खुद को? सर मीन कॉलेज में कंपनीज आती थी बट जैसे एक्सपेक्टेशन नहीं हमारी होती कि हाँ मैं तो एकदम टॉप नॉच कंपनीज, तो वो सारे कॉलेजेस में नहीं आती। तो आती थी कंपनीज स्टार्टअप वगैरह 3-4 कंपनियां तो ठीक ठाक डिसेंट आती थी, उनकी सैलरी भी अराउंड 6 LPF के अराउंड थी, तो उसमें से हुआ भी था मेरा एक में तो हाँ। और रिजेक्शन जहाँ तक है तो रिजेक्शन तो हुए थे, मतलब ऑलमोस्ट शायद 2 कंपनियों में तो रिजेक्ट हुआ, मतलब और 1-2 में तो होल्ड पे रख दिया। ऐसा भी होता है कि आप मतलब इंटरव्यू क्रैक कर लो, आपका इंटरव्यू अच्छा जाए उसके बाद भी होल्ड पे रख दिया, तो वो अपनी उन कंपनीज का अपना कुछ होगा क्राइटेरिया कि ओपनिंग कम हो गई या जो भी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें थी। बट ये है कि कोविड वाला टाइम भी थोड़ा सा टफ था, थोड़ी सी फैमिली प्रॉब्लम भी आई, तो लेकिन वही था मैंने हमेशा सोचा था कि कभी भी कुछ भी हो मतलब अपनी कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ो, अगर आप 2 महीने बाद भी पढ़ रहे हो तो उसी पेज से पढ़ो जिससे आप 2 महीना पहले पढ़ते थे। अगर आपकी पढ़ाई में गैप आ गया, नहीं 15 दिन नहीं पढ़ पाए, कुछ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी होती है आप नहीं कंसंट्रेट करो, बट जब कर हर दिन उतना टाइम इन्वेस्ट करते ही रहो, मतलब कभी भी ब्रेक ऐसा अपने मन से कभी ब्रेक मत लो पढ़ाई से अगर आपको अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, क्योंकि बात यह है कि जैसे कुछ भी है कोडिंग है या प्रोजेक्ट है, तो अगर आप उसको स्ट्रेट मतलब कोई आपने कंसेप्ट अगर 1 हफ्ता पहले पढ़ा तो अगर 1 हफ्ता बाद ज़रूरी नहीं कि आप इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपसे बन जाए, तो आप मतलब जो भी पढ़ो उसको रिविजन में रखो और चीज़ें में टाइम दो, मतलब आप कोई भी दुनिया में किसी से भी कर लो कुछ भी पढ़ लो, बट अगर जब तक आप अपनी पढ़ाई के साथ टाइम नहीं दोगे, अपनी पढ़ाई को टाइम नहीं दोगे, उसके साथ बैठोगे नहीं, तो तब तक तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना टाइम दोगे उतना फायदा है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उससे ये चीज़ होगी कि आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि कई सारी कंपनी सेम क्वेश्चन ही पूछ लेती हैं, ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो सेम क्वेश्चन आ गया तो फिर मुझे तो सोल्यूशन बता था, तो उसमें मैं टाइम लग रहा था, अच्छा मैं ब्रूट फोर्स लिखता हूँ, फिर ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ, फिर मैं दूसरा मेथड ही बताऊंगा, तो वैसे पेटीएम भी के इंटरव्यू मुझसे मतलब जो उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा था वो मेरा एकदम किया हुआ था, तो मैंने उनको 3 मेथड बताए, तो मतलब फिर वो इम्प्रेस ही हो जाएगा इंटरव्यू कोई भी, अगर आप एक क्वेश्चन के 3 मेथड बताओगे करने को तो वो बहुत इजी सा आएगा। इजी क्या मतलब इजी तभी था है क्योंकि मेरा करा हुआ था तो वो हो गया। कौन सा क्वेश्चन काफी सही? सर वो मतलब एग्जैक्ट नहीं यार, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं होता क्लोजेस्ट थ्री सम टाइप, मतलब 3 नंबर्स हैं ओके
समझ गया, टाइप का कुछ वेरिएंट था, मतलब उसमें एग्जैक्टली वो चीज नहीं बताई थी, बट उसमें काउंट करना था, तो काउंट करते टाइम मतलब कुछ लोग सीधे काउंट वेरिएबल लेके उसको जीरो से मल्टीप्लाई करके, और लेकिन वो फिर टेस्ट कुछ कॉर्नर केसेस में पास नहीं होता। ओके, तो वही केस वही टेस्ट केस उन्होंने दिया था, मतलब स्क्रीन शेयर करा के वही कोड करना था, तो मतलब उस पे गूगल डॉक पे मतलब सूडो कोड टाइप लिखना था, तो वो मुझे याद था एकदम अच्छे से। That's तो वो तो वैसे टाइप के क्वेश्चन। ठीक, तो अब जनरली ठीक है, रिजेक्शंस हो गए और सारी चीजें हो गई, अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वुड लाइक टू नो दैट, मतलब कि आप उन लोगों को कोई ऐसी चीज जो हमने अभी डिस्कस ना करी हो एंड आपने प्रिपरेशन के टाइम ये चीज रियलाइज हो, एनी सजेशन फॉर द जूनियर्स और जो भी बाकी के लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द टॉप टेक ऑर्गेनाइजेशंस टू हेल्प देम क्लियर इट, चाहे वो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स लेने से रिलेटेड हो या किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें रिजेक्शंस को हैंडल करने की चीज हो, एनी लास्ट सजेशन दैट यू वुड लाइक टू गिव टू द स्टूडेंट्स? सर एक मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पेशेंट होना चाहिए, मीन पेशेंस इज वेरी इम्पोर्टेंट। मैं भी बहुत ट्राई करता था, मतलब ऑफ कैंपस हर जगह, मतलब कोई ऐसी कंपनी नहीं होगी जिसका फॉर्म नहीं फिल किया, बट इवेंचुअली आप मतलब जॉब पोर्ट उनके पोर्टल पे जाके देख रहे हो एप्लीकेशन सबमिटेड, फिर कुछ दिन बाद अंडर कंसिडरेशन, फिर उसके बाद आ गया नो लॉन्गर अंडर कंसिडरेशन, तो वो सारी चीजें भी होती हैं, बट एट द एंड आप पेशेंट हो, आप अपने आप पे अपनी मेहनत पे आपको ट्रस्ट है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट रहो। अगर आपने मेहनत की है वो जरूरी पॉइंट है, मेहनत तो हार्डवर्क आपका हो गए कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंच जाओगे, अभी नहीं तो 6 महीने बाद, नहीं तो 1 साल बाद, कभी ना कभी जो चीज आप ड्रीम करते हो, आपकी जो भी ड्रीम कंपनी है, अगर आपने उसके लिए डेडिकेटेड एफर्ट्स करे हैं तो सूनर और लेटर यू विल रीच दैट पॉइंट। लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू आस्क इज लाइक, जैसे आपने कोडिंग ब्लॉक से कोर्स करा था, लाइक हाउ मच इट हेल्प्ड यू, मतलब जब आप प्लेसमेंट्स में बैठ रहे थे कंपनीज की, और मतलब डू यू थिंक कि मतलब जो प्रैक्टिस करी यहाँ से उससे मतलब कुछ चीज़ें मिली? आई थिंक अभी आप एक और मेरे वाले बैच में एनरोल्ड भी हो करंटली, तो व्हाट डू यू थिंक लाइक हाउ कोडिंग ब्लॉक्स हेल्प्ड यू इन दिस पर्टिकुलर जर्नी? सर मतलब पहले तो बेसिक्स वाली जो चीज़ मैंने बोली कि बेसिक जो C++ वाले थे वो एरे कैसे बनता है, 2D एरे क्या होता है, वो सारी चीज़ें तो उसी से बनी, तो बट ये भी होता है ना कि आप कोर्स में एनरोल हो तो उसको आपको अच्छे से करना पड़ता है, अब ये नहीं कि आपने आज देखा फिर एक हफ्ते बाद देख रहे हो, वो कंटिन्यू कोई भी चीज़ आप करो तो कोडिंग मतलब वो कोर्स ने आपके मेरे बेसिक्स तो एकदम बढ़िया बना दिए थे, और उसमें बहुत क्वेश्चन थे, मतलब इतने क्वेश्चन थे कि नॉर्मल आपका ठीक ठाक प्लेसमेंट तो वो ही करवा दे वो कोर्स ही, जिस टाइप के जिस लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं, सारे बाइनरी भी सारे टॉपिक्स थे उसमें, शायद प्रोजेक्ट्स भी हैं, शायद स्प्लिट वाइज वगैरह के प्रोजेक्ट भी हैं, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं कितना ही था, मतलब वो कोर्स के बेसिक्स तो एकदम बढ़िया हो गए थे कि हाँ, और अप्रोच पता चल गई थी, क्योंकि अब क्या है कि कोई भी कंपनी पूछती तो मतलब पुराना क्वेश्चन तो नहीं पूछती, नया है तो अप्रोच भी एक बिल्ड हो गई थी उससे कि हाँ अगर ये बाइनरी ट्री दी हुई है तो इसमें लेफ्ट सब ट्री ऐसे, इसका यहाँ रिकर्शन लगना है, फिर यहाँ ऐसे ही होना है, तो वो सारी एक ग्राफ टॉपिक था, मतलब ग्राफ से मुझे ऐसा लगता था कि ग्राफ यार नहीं हो रहा है अभी तो, लेकिन फिर थोड़ा उससे क्लियर होना स्टार्ट हो गया था ग्राफ भी कि हाँ ये है, क्योंकि बहुत लंबे लंबे बहुत बड़ी बहुत सारी DSQ और बहुत सारे नेटवर्क फ्लो, ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो काफ़ी एडवांस हैं, तो तब मुझे लगा कि हाँ उस टाइम पे तो काफ़ी हेल्प की, बेसिक्स तो बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग कर दिए थे, तो बेसिक्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बाद तो आपकी खुद की मेहनत है, आप कितना बिल्ड कर लो। सही बात, तो सही बात, मतलब वही होता है, कोर्स किया फिर करना छोड़ दिया तो मतलब एंड ऑफ इट, राइट, मतलब फिर तो कुछ नहीं हो सकता, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इनफ कि जब तक प्लेसमेंट नहीं हुई तब तक प्रैक्टिस तो करती रहने पड़ेगी, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब कोर्स में आपको 250 क्वेश्चन करीब मिल जाएंगे, तो वो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो उसके बाद आपकी अपनी प्रैक्टिस से आप कितना बिल्ड कर लो, उन 250 को भी आपको फिर से ही करना चाहिए, ताकि कम से कम वो क्वेश्चन अगर कोई पूछ ले तो आपको एटलीस्ट वो आता है, नहीं तो कम से कम आपकी अप्रोच तो बनी गई उनको करने से, तो वो काफी इम्पोर्टेंट था।
सो थैंक यू श्रेष्ठ फॉर गाइडिंग द स्टूडेंट्स अपने इस जर्नी के बारे में. आई थिंक बहुत स्टूडेंट्स को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी दैट हाउ दे कैन एक्चुअली प्रैक्टिस. सो एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन फॉर गेटिंग सेलेक्टेड इन टू टॉप नॉच ऑर्गेनाइजेशंस. Thank you so much. Okay, so thank you guys. Now we'll take the leave from all of you and bye bye and take care and happy Independence Day to you, Shreesh. Same to you, sir. Happy Independence Day to all. Okay. Thank you guys. Bye bye.